लखनऊ की एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। बाइडेन और पुतिन बड़े ध्यान से देखेंगे ये तस्वीर। अब तो नासा वाले भी योगी के अफसरों से पाताल के इस रास्ते का ज्ञान लेंगे। अखिलेश ने आईना दिखाया, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, लेकिन जर्मनी वाले प्रोफेसर के ट्वीट का अभी इंतजार है। योगी पाताल से भी ढूंढ निकालने का जो दावा करते हैं उसका रास्ता आज पता चला। सोशल मीडिया में तो आज लखनऊ की एक तस्वीर ने गलदा उड़ा रखा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में पाताल का रास्ता मिल गया है और ये सिर्फ योगी राज में ही मुमकिन है। जिन भक्तों को व्यंग से परहेज है या नाराज हो रहे हैं उनको पूरी घटना बता देते हैं। बारिश के बीच लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की लाख कोशिशों के बाद भी राजधानी लखनऊ की सड़कें दुरुस्त नहीं हो रही हैं। मंगलवार को कचहरी से बलरामपुर अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। अस्पताल की ओर से आ रही एक कार इस गड्ढे में घुस गई, यानी गिर गई। कार के गड्ढे में गिरने पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि यह भाजपा के गड्ढे मुक्त यूपी के दावे का जमींदोज सच। बलरामपुर हॉस्पिटल के पास सड़क धंसने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि आम जनता के अलावा यहां से बसें और एम्बुलेंस भी आती जाती हैं। इसकी तुरंत पक्की मरम्मत करवा कर भ्रष्टाचारियों पर तत्काल कार्रवाई हो। आपको बता दें कि कार सिटी स्टेशन की ओर से आ रही थी, तभी अचानक सड़क धंसने से कार गड्ढे में फंस गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और इससे जुड़ी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। यह राजधानी के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। इस क्षेत्र से बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ कोर्ट, क्रिश्चियन कॉलेज, सिटी स्टेशन है और अमीनाबाद और कैसरबाग बस अड्डे को जोड़ने के नाते इस इलाके में पूरे दिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ तक कि बस और एम्बुलेंस भी हर समय निकलती रहती है। ये तस्वीर वायरल होते ही ट्विटर पर योगी मॉडल की नेशनल फजीहत शुरू हो गई। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया कि सिस्टम ही धंस गया है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक ने ट्वीट किया कि योगी जी के विकास का ताजा हाल है। निगार प्रवीण ने ट्वीट किया कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो यूपी कांग्रेस ने सायराना अंदाज में ट्वीट कर डाला कि ये बारिश का मौसम और बारिश में गड्ढा। अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके योगी सरकार पर निशान साधा और कहा कि सड़क पर गड्ढे में घुसी कार, बारिश में बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर, बलरामपुर अस्पताल के पास सड़क धंसी, गड्ढे में फंसी गाड़ी, ये बड़े बड़े गड्ढे भाजपा सरकार में सड़कों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का नतीजा है, शर्मनाक है। सरकार इन सड़कों की जाँच कब करवाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।